अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुलेमान व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो माशाल्लाह जी, 19 रोज़े गुजर चुके हैं और माशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से 19 रोज़े आपके ठीक ठाक और खैर खैरियत से गुजरे होंगे। तो साथ ही साथ हमारे भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से गुजर चुके हैं। तो 20वें रोज़े की तारीख आज करेंगे और रात के 12 बज रहे हैं, कुछ घंटे हैं माशाल्लाह सहर में, और जैसे ही सहर होगी तो सहर में भी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग हमारा बनेगा किस टॉपिक पर, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि बस बैठे बैठे अचानक ही मुझे ख्याल आया क्यों ना आज व्लॉग बनाया जाए। और इस व्लॉग में जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो है कुछ मेरे चंद शौक। तो शौक से मुराद है कि मैंने गार्डन में पानी लगाते हुए जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे ये अर्ज़ किया था कि मेरे ये जो पिंजरे पड़े हुए इनका एक राज है। तो वो राज जी जनाब आपके साथ शहर के बाद इंशाल्लाह खुलेगा, और वो राज क्या है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बकरियों का राज तो राज नहीं था, वो तो आपको मैं बता दूं कि कुछ जानवर भी हमने रखे हुए, बकरियां वगैरह। तो पिछले 17 साल से तकरीबन हम लोगों ने घर के जानवर रखे हुए हैं और उन्हीं की कुर्बानी करते हैं। तो कुछ बकरियों का शौक़ करवाया जाएगा आपको, और कराची जैसे शहर में गांव जैसी ज़िंदगी का मज़ा लेने का तरीका भी आपको बताऊंगा मैं आज अपने इस व्लॉग में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको बड़ा पसंद आएगा। तो साथ ही साथ चलते हैं सहरी का, जब टाइम होगा इंशाल्लाह आपके साथ सहरी में मिलेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह सहरी में मिलते हैं आपके साथ। अस्सलामुअलैकुम, जैसा कि सहरी का वक्त हो चुका है और मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही सहरी का वक्त होगा तो हम आपके साथ फिर से शेयर करेंगे। और 30:30 हो चुके हैं और मैं नीचे आ गया हूँ और बाकी सबका वेट किया जा रहा है। और जैसे ही आते हैं सब नीचे और आपके साथ दस्तरखान भी शेयर करते हैं, और सहरी से फ्री होने के बाद जो है हम अपने असल व्लॉग की तरफ आएँगे और अपने शौक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं दस्तरखान में। तो ले जी, सहरी का वक्त हो चुका है और मैं तो सहरी करके फारिग हो चुका हूँ और रमज़ान साहब सहरी कर रहे हैं और अब्बू रूटीन के मुताबिक जो है तस्बीह कर रहे हैं और तस्बीह से फ्री होते हैं जैसे ही, फिर अब्बू भी सहरी करेंगे। और जी अच्छा जी, अब्बू का हुक्म आ गया कि वहाँ बकरियों की तरफ चक्कर लगा गया हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं सुबह रोज़ उठता हूँ तो वो लाजमी एक दफ़ा मुझे कहते हैं कि वहाँ चक्कर लगा के आया करो, कि जानवर हैं, जानवरों का कोई पता नहीं होता, कोई भरोसा नहीं होता। तो चलते हैं अपने जानवरों की तरफ और वहाँ का चक्कर लगाते हैं। तो सहरी का वक्त है और जो है ना रात का टाइम है, तो इसीलिए शायद वीडियो में क्लियर भी नहीं आएगा। तो मैं जा रहा हूँ बकरियों की तरफ, अब्बू ने कहा था कि बकरियों की तरफ जाओ चक्कर लगाओ, तो क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है ना कि रात का टाइम होता है, जानवर हैं, कोई सो अभी नबी इनके साथ हो जाता है। तो लें ये हमारे छोटे बकरों का कमरा है। तो ये बदमाशो अदर आओ, बबलू अदर आओ, माशाल्लाह तो ये फिट फाट हैं, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह फिट फाट है। इसी तरह दूसरा रूम इनका सामने जहाँ इनकी मदर है और इनका भाई है। इनको असल में अलग रखने का क्या रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, अंधेरे की वजह से बस बना नहीं पा रहा सही। तो ये इंशाल्लाह जब फजर के बाद जैसे ही रोशनी होती है तो फिर इंशाल्लाह हम फजर के बाद जो है ना आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फजर के बाद मिलते हैं। तो नैन जी अब्बू भी सहरी के लिए बैठ चुके हैं और सहरी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही अब्बू भी सहरी करके फारिग होते हैं और हम भी फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे और फजर की नमाज़ से फ्री होकर और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। उन्हें जी नमाज़ फजर से हम लोग फारिग हो चुके हैं और जो है ना मैं ऊपर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं सुबह के मनाजिर होते हुए क्या ही खूबसूरत मनाजिर है माशाल्लाह से।
चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आप सुन सकते हैं माशाल्लाह। ये सहर से लेके फजर के तक जो दरमियान का जो वक्त होता है ना, इसमें जो नींद आती है ना, वो क्या ही कमाल की नींद आती है। मस्जिद तक जाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब्बा हजूर की जो डांट है ना, ये किसी ना किसी तरीके से हमें ले ही जाती है। और ये नीचे के मनाजर है, अब जब दिन चढ़ता है तो इंशाल्लाह नीचे जाएंगे और नीचे अपने कबूतरों का विलाग शुरू करेंगे और बकरियों का विलाग शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से क्या खूबसूरत मनाजर है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 8 बजे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सहरी से जैसे ही मैं फ्री होऊंगा और मैं आपको अपना शौक बताऊंगा और जो पिंजरों का राज है वो भी आपको बताऊंगा, तो चलिए चलते हैं अपने राज की तरफ। और सुबह के 9 बज चुके हैं और थोड़ा लेट तो हो गया हूँ मैं, तो लेट तो हो गया, लेकिन ये कि जो है ना, मैंने सोचा अभी आपके साथ चलूँ, शेयर करता चलूँ। जैसा कि पिंजरों का जो मैंने आपको राज बताया था, और वो आज राज मैं आपके साथ खोल दूँगा कि इनका राज क्या था। आप देख सकते हैं कि ये पिंजरा है, एक वो सामने है, एक वो सामने है, तो इनके बारे में भी मैं बताता हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इनके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो लें जी, इनमें मैं आपको बताने जा रहा था कि इनमें क्या है। इनमें जनाब ये है पिजन, यानी कबूतर। एक टाइम था जिसमें मैंने कबूतरों का शौक किया था और कुछ टाइम पहले मैंने ख़त्म कर दिया था। एक वजह हो गई थी जिसकी वजह से मैंने ये ख़त्म किया था, तो अब मैं लेकर आ चुका हूँ। तो मैंने कहा आपको इसका शौक करना है। देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत कबूतर हैं और इनके साथ बच्चे भी हैं दो। क्या बताता चलूँ, ये देखेंगे इनके बेबी पिजन हैं। माशाल्लाह 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 लाजमी बोलिएगा और आप देख के बताएँ कि ये कैसे कबूतर हैं। जैसे कि ये एक जोड़ा है ऊपर खाने में और इसी तरह दूसरे खाने में ये जोड़ा है, ये इन्हीं के बच्चे हैं दोनों। ये था मेरे पिंजरों का राज भाई। एक टाइम था जब किया था और फिर छोड़ दिया और फिर दोबारा से किया। तो ये देखें, देख सकते हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा। और जैसे जैसे इनकी ब्रीडिंग होती जाएगी और बच्चे बढ़ते जाएंगे, वो भी मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। और इसका एक बच्चा है, वो देख सकते हैं आप सामने, एक एक्सपायर हो चुका था, एक बचा है वो तो मैंने वहाँ सेव किया हुआ है। तो ये तो हो गया मेरे कबूतर। अब चलते हैं हम अपन बकरियों की तरफ, जो कि सहरी में मैंने वीडियो बनाई थी पर लाइट कम होने की वजह से वहाँ सही वीडियो नहीं बन सकी। तो अब चलें मैं आपको बकरियों का शौक भी करवा देता हूँ अपना। लें जी माशाल्लाह गार्डन भी काफ़ी ठीक होता जा रहा है। कुछ दिन पहले तो काफ़ी धूप की वजह से ख़राब हो चुका था और अब काफ़ी बेहतर हो चुका है। और ये देखें माशाल्लाह फालसे का पौधा भी काफ़ी बेहतर हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी फालसे लगे हुए इसको। और साथ ही साथ चलते हैं, वो सामने मेरा आम का पौधा है, आप देख सकते हैं। गुलेरी ने इसका काम तमाम कर दिया था लेकिन अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। तो चलिए जी बकरियों की तरफ चलते हैं। असल में टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था और फिर मैं फटाफट उठाऊँ, पहले मैंने सफाई की है। अब्बू ने कहा पहले सफाई कर दो ताकि मैं जो है ना इनको खाना, इनके आगे चारा रख सकूं। तो अब्बू ने चारा बना के इनके सामने रख दिया और ये खा रहे हैं बड़े मज़े से। तो अंदर से मैं इनकी वीडियो बनाता हूं और बताता हूं आपको। ये हमारा व्यू है, 120 गज का प्लाट जो है ना, ये हमने बकरियों के लिए छोड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये खाना हमने जो ऊपर बनाया हुआ था, ये बकरों के लिए बनाया हुआ था। तो अब एक बकरे की थोड़ी तबीयत सेट नहीं है, उसे हमने नीचे कर दिया। और ये बकरी है, इसके साथ एक ये बकरा है, आप देख सकते हैं। अंदर से जा के बनाता हूँ जी। ये मैं अंदर आ चुका हूँ, बाहर से थोड़ी सेट नहीं बन रही थी तो इसीलिए मैं अंदर आ चुका हूँ। और ये अपनी माँ को तंग कर रहा है गधा। ये हमारी बड़ी खूबसूरत और प्यारी बकरी है और बड़ी माशाल्लाह। हाँ ये बच्चा भी इसी का है और एक अंदर है बड़ा वाला, उसकी थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी इसीलिए उसे सेट करने के लिए हमने अलहदा कर दिया। और ये इनकी माँ है, वो देख सकते हैं आप वहाँ पे सामने आ चुके हैं। और अब्बू नीचे बैठे हुए अपनी वर्दी चेंज करके, इनको खिलाने के टाइम अब्बू चेंज कर लेते हैं।
ये है जनाब, ये देख सकते हैं आप। तो चलते हैं इनके दूसरे बच्चों, अंदर आ चुके हैं और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये भी। जी लाइट अब्बू गई हुई है, तो ये हम अंदर आ चुके हैं आप देख रहे हैं। वीडियो तो अब्बू क्लियर ही बन रही है। हाँ अच्छा, ये बड़ा बकरा और वहाँ पर एक जो मैंने वाइट बकरा आपको बताया था देख सकते हैं आप वो सामने, ये सेकंड टाइमर है उसके और ये थर्ड टाइमर है जोड़ा। इनमें से ये वाइट वाली फीमेल है और ये मेल है। ये थोड़ा सेट नहीं था, ये देखें इसे थोड़ा ज़ख्म हो गया था गर्दन पे, तो हमने इसको अलग कर दिया ताकि इसकी ग्रो अच्छी हो सके, ये खाए अच्छा और जो है ना जैसे ही ये सेट हो जाएगा तो हम इसे ऊपर कर देंगे। और ये बकरी के बच्चे जो हैं जोड़ा तो बहुत छोटे हैं अभी, और जो बड़े हैं ये हमने कुर्बानी के लिए रखे। इंशाल्लाह इनकी कुर्बानी जब करेंगे तब भी आपके साथ साथ ही साथ शेयर करेंगे। तो अब चलते हैं बाहर प्लॉट की तरफ, बाकी बात वहाँ करते हैं। तो चलिए जी हम बाहर आ गए। बकरियों का भी शौक मैंने आपको करवा दिया है और कबूतरों का शौक भी मैंने आपको करवा दिया है। ये था हमारा आज का व्लॉग बकरियों का और कबूतरों का, जो कि मैं आपको करवा चुका हूँ शौक। इंशाल्लाह अभी 2 बजे के टाइम में आऊँगा, इन्हें पानी पिलाऊँगा और पानी के साथ साथ दूध भी बकरी का निकालूँगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो इसीलिए मैं अब शॉप की तरफ चलता हूँ। दुकान का टाइम हुआ जाता है, जहर के टाइम में आ जाऊँगा और जैसे ही मैं आऊँगा तो दूध निकालते हुए मैं आपको बताऊँगा बकरी और क्या कहते हैं कि दूध कैसे निकालते हैं। और ये माशाल्लाह है हमारी कराची की ज़िंदगी, ये हमारे घरों के गेट हैं, ये मेरे चाचू का घर का गेट है और वो हमारे घर का गेट है, चाचू के घर का गेट भी, और वाइफ भी यहीं रहती थी, यहीं से मेरी शादी हुई है। तो यानी दोनों घरों के गेट हैं हमारे, ठीक है। और ये एक पीछे जो आप देख रहे हैं सारी जगह, ये हमने दिया हुआ रेंट पर, ये भी जिस दिन भाई आएंगे इनकी भी वीडियो बनाकर आपसे शेयर की जाएगी। तो चलते हैं इसी के साथ साथ अपनी शॉप पर, तो इंशाल्लाह 2 बजे की वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो नहीं जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दोपहर 2 बजे के टाइम में शॉप से आऊँगा और अपने जानवरों को पानी भी पिलाऊँगा और साथ ही साथ दूध निकाल लूँगा। तो ये जी बाल्टी रख दी है मैंने पानी की और इसमें पानी भरेंगे और बकरियों को पानी पिलाऊंगा और साथ ही साथ दूध भी निकाल लूँगा। और दूध के लिए मैं वो जग लेकर आया हूँ, सामने पिंजरे में पड़ा होगा आपको नज़र आ रहा होगा। तो जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ दूध निकालने के लिए और फिर आपके साथ वीडियो में आते हैं। लें जी मैंने पानी इनके आगे रख दिया है, इन्होंने तो माशाल्लाह पानी पी लिया और मैंने सोचा कि जो है ना उतनी देर तक दूध निकाल लेता हूँ। तो मैं जाता हूँ ऊपर दूध निकालने के लिए, बच्चे सारे सो रहे थे तो एक बच्चा मिल गया, मैंने कहा चलो यार मेरे साथ वीडियो बना दो तुम दूध निकालते वक्त की, तो आपको बताता हूँ कि दूध कैसे निकालते हैं। तो ले जी ये मैं दूध निकाल रहा हूँ, बकरी का किस तरह निकालते हैं वो भी आपको बताता हूँ। ये देखो ए खड़ी हो जा आराम से, कितना दूध निकाल रहे हैं। दूध निकालने का इसका तरीका है, असल में बकरा कर रहा है वो तंग बहुत ज़्यादा, तो दूध निकाल के फिर मैं आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह, दूध निकाल के फिर मिलता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। घर में बहुत ज़्यादा है और दूध तो मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हैं माशाल्लाह 1.5 किलो से ज़्यादा दूध है। घर का दूध जैसे 1 किलो भी मिल जाए तो बड़ी गनीमत है। और माशाल्लाह से दूध निकाल के मैं फारिग हो चुका हूँ और सब सो रहे, तो इसीलिए मैंने सोचा इसे फ्रीज़र में भी मैं ही रख देता हूँ। तो ये हमारा फ्रिज है आप देख सकते हैं, इसे मैं फ्रिज में भी रख देता हूँ ताकि कोई उठे ये ना बोले कि दूध आपने बाहर रख दिया। तो इंशाल्लाह अब मिलते हैं सहरी के टाइम, और फिर सहरी के टाइम ही जो सॉरी अफ्तार में मिलते हैं आपके साथ, अफ्तार में ही अपने व्लॉग का जो है ना लास्ट करेंगे, वहीं पर अपने व्लॉग को ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट व्लॉग में भी इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अस्सलामुअलैकुम, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही अफ्तारी का टाइम होगा तो हम आपके साथ अफ्तारी भी अपनी शेयर करते चलेंगे और साथ ही साथ अपने व्लॉग को आज का जो व्लॉग है वो भी ख़त्म करेंगे। यही हमारा आज का व्लॉग था कबूतरों और बकरियों पर, जो कि मैंने आपको अपने शौक दिखाए थे। तो ये देखें जी अफ्तारी का सामान लग चुका है,
अफ्तारी के सामान में क्या क्या है ये आपको नज़र आ रहा होगा। चिकन बिरयानी है, पकोड़े हैं, वाइट चावल हैं और जो है ना शोरबा है। तो इसी तरह जो है ना मुर्गी सालन जो होता है वो है साथ में। यानी सब चीज़ें हमने यहाँ पे लगा दी हैं और 10 से 15 मिनट रह गए हैं। हुज़ैफ़ा साइड पे हो जाए, 10 से 15 मिनट रह गए हैं और अफ्तारी में। तो इसी के साथ साथ चलते हैं, अपने पीछे कबूतरों को भी बंद करते हैं, वो भी आपसे बताता चलूँ। तो चलिए ये देखें जी, माशाल्लाह कबूतर मैंने असर के टाइम जो है ना इन्हें दाना पानी करने के लिए खोल दिया था, तो अब ये खा पी चुके हैं माशाल्लाह सारे। और ये हुज़ैफ़ा साहब ने गन मचाया हुआ अपने खिलौनों का, इसको इतनी दफ़ा मैंने कहा कि गन नहीं मचाया करो। तो हुज़ैफ़ा आपने कबूतर बंद नहीं किए थे हैं? ये देख रहे हैं आप कबूतर माशाल्लाह। चलो भाई, तो जो ये कबूतरों को भी मैंने दाना डाल दिया था असर के टाइम और ये भी खा के फारिग हो चुके हैं। तो इसी के साथ अपना आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तो जाते जाते एक ही रिक्वेस्ट जो कि मैं हर वीडियो में आपसे करता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन साथ ही साथ प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।